हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है S4 आर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पूरा देख लिया होगा, जिसमें मैंने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स बताए थे, जिसमें पहला था अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड दूसरा पॉइंट था पेंसिल को पकड़ने का तरीका। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊँगा, जिसमें पहला पॉइंट है कि आप अगर कोई स्केच या पोर्ट्रेट टाइप का कुछ बना रहे हैं तो पहले रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें एंड देन उस पर काम करें। और अगर कोई पेंटिंग टाइप का कुछ बना रहे हैं तो पहले उसे आप अच्छे से मन में इमेजिन कर लें, उसके बाद उस पर कोई काम करें। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बस ऐसे ही जुट जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, है ना। मैंने भी ये गलती की हुई है स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ केयरफुल। एंड सेकंड थिंग, आप कोई भी मीडियम में आर्टवर्क बना रहे हो तो प्लीज़ आप उसे पूरा टाइम दें। कुछ लोग होते हैं ना कि बस जल्दी जल्दी में किया और बस काम ख़त्म, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप स्ट्रेस में कोई आर्टवर्क ना करें। कुछ लोग होते हैं ना कि बस यार मुझे बस इतने टाइम में कंप्लीट करना है या मेरा मन नहीं कर रहा है बट लेकिन करना है, तो ऐसा मत करिएगा। जब भी आपका मन हो तब करिए, फ्री माइंड से करिए एंड देन देखिए आपका आर्टवर्क काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो ये थे कुछ टिप्स, तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।